हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस अप्रैल माह के आखिरी शनिवार को मनाया गया जहां इस मौके पर राजधानी भोपाल के नेहरू नगर स्थित पशु चिकित्सा संचालनालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया देखिए यह रिपोर्ट विश्व पशु चिकित्सा दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल के पशु चिकित्सा संचालनालय में आयोजित कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल और रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव समेत पशु चिकित्सक और विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए इस मौके पर पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गौ संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है और अब मध्य प्रदेश सरकार गौ पालकों को नौ सौ अनुदान राशि भी देगी साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग अपने पशुओं को सड़क पर बेवजह छोड़ देते हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाएगी साथ ही ऐसे पशुओं को गौशाला में रखा जाएगा देखो इसकी रणनीति अभी बनाई जाएगी अभी तो घोसला हुई है और घोसला हुई है तो घोसला नहीं है हम काम करके दिखाएंगे देखो नगर में गो जिसकी भी आवारा गाय मतलब जो घूमती है अगर उनको तो पहले सीताया जाएगा कि भाई आप गौ पालना चाहते हो तो अपने गौ माता को घर में बांधो दूसरी बात अगर छोड़ते हैं तो उसको मतलब गौशाला में ले जाकर रखी जाएगी अगर छुड़ाने जाएगा तो उसको एक हज़ार रुपये देना पड़ेंगे और उसके बाद में मतलब एक बार दो बार उस गौ उस गौ माता को फिर अगर अब नहीं पाल पा रहा है तो हम रात करेंगे। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के मौके पर पशु चिकित्सा संचालनालय में मंत्री प्रेम सिंह पटेल के साथ तमाम भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज भोपाल